नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आए दिन कोई न कोई रेल दुर्घटना हो रही है। उसी घटना में से एक घटना हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कटनी मेमू पैसेंजर ट्रेनों के साथ हुआ है। जी हां, अचानक बिलासपुर कटनी मेमू पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर हाई टेंशन तार गिर जाता है। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इस दौरान कई यात्रियों की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, बिलासपुर कटनी मेमू पैसेंजर ट्रेन रोजाना की तरह मंगलवार को बिलासपुर से कटनी के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद ट्रेन अनूपपुर पहुंची। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे यहां से शहडोल की ओर जा रही थी। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से गुजर रही थी। तभी अमलाई स्टेशन के पहले संजय नगर के पास ये घटना हो जाती है। इसके बाद यात्री ट्रेन से उतर जाते हैं। आपको बता दें, यात्रियों का कहना है कि ट्रेन अचानक झटके के साथ रुकी और ट्रेन के ऊपर चिंगारी दिखी। इसके बाद एक एक करके यात्री ट्रेन से उतरने लगे। कुछ देर में ट्रेन खाली हो जाती है। यात्री डरे और सहमे हुए होते हैं। तब रेलवे के कर्मचारी ने लाइन सप्लाई रोककर टूटे तार को काटकर ट्रेन से हटाया। इसमें करीब एक घंटे तक का वक्त लग जाता है। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था। दोस्तों, अच्छी बात ये रही कि हाई टेंशन चीनी मिट्टी के पैनल कोच से टकराया, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर हाई टेंशन तार बोगी में गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो दोस्तों, बार बार हो रहे इस रेल दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।